Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss Law 5 Years 2024 paper का legal solution, legal section का solution discuss करने वाले हैं. Shift 1 का paper है. Now here are the social media handles. You can follow us on Instagram, Facebook. Also, if you want to join us on a Telegram and a WhatsApp group, you can join there. And don't forget to subscribe to the YouTube channel so you can get latest update about the Law 5 Years exam. And then moving ahead, if you are a Mumbai based, you can connect us to join us with and start the preparation, Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali. And if you are not Mumbai based, if you want to join online classes or live classes, you can connect us with 8828581455/54 and you can start your preparation with us. So moving ahead to the question. Now here is the legal questions. Legal mein zyada difficulty nahi thi, paper thoda sa tha, twisty tha, but it's not that difficult to understand. Jo discuss जो मैनुअल के स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो जो डिस्कशन हुआ है वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है. अदरवाइज आप अगर एवरेज प्रैक्टिस करते हो, लीगल की रीडिंग अच्छी खासी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है एंड अप्रोच अगर सही है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल दिया था. नाउ लीगल प्रिंसिपल इज अबाउट अ पर्सन ट्रांसफर्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे ट्रांसफर की रिगार्डिंग बात हो रही है. विद इन इट्स फुल ओनरशिप एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन टू सम अदर पर्सन इट इज कॉल्ड गिफ्ट. मतलब अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो अगर ट्रांसफर करता है विद और विदाउट कंसिडरेशन सो इट इज कॉल्ड एज गिफ्ट. अब यहां पर देखो विदाउट कंसिडरेशन दिया हुआ है, राइट? तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग विच इज नॉट इन रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन आपको मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करनी होगी. नाउ फैक्ट्स दिए हुए, as who has a no child of his own makes a gift of his house to new his nephew R after completing all legal formalities required for the valid gift. यहाँ पे क्या किया, as ने जो क्या किया है, as who has no child, इसको कोई बच्चा नहीं है तो इसने क्या कर दिया, अपनी जो property है, अपना जो house है वो R को transfer किया है जो कि उसका nephew है. completing all legal formalities after the for the gift, then during a casual conversation S says to R, during casual conversation, now it is a casual conversation, nothing happened in the agreement, right? S says to R that in case of a need, R should provide the house to the him. यहाँ पे देखो casual conversation में S ने क्या बोला कि आपको जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी R क्या करेगा, वो घर जो है वो return कर देगा या फिर use के लिए दे देगा without any question. After 1 year of the gift, S really needs the house and requests R. R refused to provide the house. यहाँ पे देखो पहले तो legal compromisation यहाँ पे हुआ है. legally आपने gift दिया था तो legal है तो gift तो legal हो गया, that means it is abide. तो gift दे देने के बाद अब जो है R उसका legal owner है, उस property का, उस house का legal owner है. In that case S ने क्या किया था, casual बात की थी. Now it is not a written on a legal paper or somewhere it is not a written on the some agreement, right? So, ये अग्रीमेंट तो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर R जो है इसके लिए लाइबल नहीं होगा. He would not return the house. So, simply यहाँ पर वो रिफ्यूज कर सकता है. अभी रिफ्यूज कर सकता है इसका मतलब दो ऑप्शंस आपके पास है, इधर C और इधर D. अब यहाँ पर A एंड B तो वैसे भी एलिमिनेट होने हैं. अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस को आंसर करते वक्त एक गलती हमेशा बच्चा करता है, वो क्या, तो रीजन. जो रीजन है वो रीजन आपका स्टिक टू दी प्रोविजन होना चाहिए. मतलब जो प्रोविजन लिख के दिया हुआ है, जो लीगल प्रिंसिपल लिख के दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर योर आंसर. नाउ आर कैन रिफ्यूज एज ही हैज बिकम अ फुल ओनर ऑफ द हाउस. यहाँ पे देखो क्या बोला है, एज ही हैज बिकम द फुल ओनर ऑफ द हाउस एंड यस दिस इज अ ट्रू, ही इज अ लीगल ओनर नाउ. तो वो अभी जो चाहे कर सकता है, ही कैन रिफ्यूज. नेक्स्ट, R can refuse as he himself may be in need of that house. ये तो logical या फिर ये fundamental हो गया ना, ये वो as per the legal principle बात नहीं कर रहा है. अब ये क्या हो गया, it's a moral thing, it's a understanding कि बाबा वो भी need में हो सकता है, it's a logical one. तो ये आपका answer नहीं होगा, option C would be your correct answer. You have to answer according to the legal principle. Next. Now again question number 2, legal principle is given here. Plaintiff who suffers some injury will be entitled to receive a compensation even if he suffers no losses. मतलब क्या, अगर injury हुआ and कोई loss नहीं हुआ तो भी वो क्या कर सकता है, he can receive compensation, he is entitled to receive the compensation. Now factual situation देखो क्या है, Reddy was a well known political worker of the party X. While on his way to polling booth, police took him into custody, suspecting that he may create a some problem. यहाँ पे जो है, X क्या, Reddy क्या है, एक well known political worker है, and
पार्टी क्या है, एक्स पार्टी है। वाइल ऑन हिज वे पुलिस ने उनको क्या किया, पकड़ लिया, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एज द पुलिस कुड नॉट फाइंड एनी रिकॉर्ड्स अगेंस्ट हिम दे रिलीज्ड हिम जस्ट सम टाइम्स बिफोर द क्लोजिंग आवर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसकी वजह से उसको, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया सम टाइम्स बिफोर, मतलब इलेक्शन जो वोटिंग टाइम है उसके खत्म होने के पहले उसको छोड़ दिया। नाउ बाय द टाइम मिस्टर रेड्डी रीच्ड द पोलिंग बूथ, द पोलिंग टाइम वाज ओवर एंड हेंस ही कुड नॉट कास्ट हिज वोट, वो वोट नहीं दे पाया। अब यहां पर उसको इंजरी तो हुई, इंजरी क्या हुई, लीगल इंजरी हुई, बट कोई लॉस हुआ? नो, फिजिकली कोई लॉस नहीं हुआ, फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं हुआ, मटेरियलिस्टिक लॉस कोई भी नहीं है, बट लीगल लॉस तो है, राइट तो वायलेट हो गया। नाउ लेटर ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्स पार्टी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर टू हैव वॉन द इलेक्शन, यहां पर एक्स पार्टी जीत भी गई। रेड्डी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द स्टेट फॉर कंपेंसेशन, यहां पर रेड्डी ने कंपेंसेशन मांगा। अब देखो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेड्डी विल सक्सीड एज द पुलिस कुड नॉट प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, दिस वुड बी करेक्ट, बट यहां पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग रीजन नहीं है। ऑप्शन बी, रेड्डी विल सक्सीड एज हिज राइट टू वोट का वॉज डिनाइड बाई द पुलिस एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लीगल प्रिंसिपल, सो दिस बिकम्स योर आंसर, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, सो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द लीगल प्रिंसिपल इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ का कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता, मतलब अगर आपको लॉ पता है, और अगेन अगर लॉ पता है, नहीं भी पता है, और आप ये बोलते हो कि मुझे लॉ नहीं पता था, तो दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट और लीगल एक्सक्यूज। फैक्चुअल सिचुएशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड द शो कॉज नोटिस टू मिस्टर रमानी फॉर नॉट पेइंग अ टैक्स एंड फाइलिंग रिटर्न सिंस लास्ट टू ईयर्स बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ। सिंपल, इग्नोरेंस ऑफ अ बोला, मतलब इग्नोरेंस तो बोला है, तो इट मीन्स वॉट, इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ, वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है, मतलब वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द रमानी, अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है ना, लॉ को अवॉइड किया तो मतलब क्या, एक्सक्यूज तो कोई नहीं दे सकता, तो यहाँ पे पनिशमेंट तो होनी है। अब देखो उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा, मिस्टर रमानी में यूज अ डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ, नॉट एट ऑल, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता वो। मिस्टर रमानी में रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू वेव द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रिलेवेंट लॉ, नो दिस इज ऑल्सो इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ, नो एक्सक्यूज देयर। मिस्टर रमानी में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू एक्सक्यूज हिम, एक्सक्यूज ही नहीं है तो एक्सक्यूज कहाँ करेंगे, एक्सक्यूज हिम एज हिज एडवोकेट हैज टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ये भी गलत है, सो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ए विल बी एलिमिनेट। अब देखो मैंने यहाँ पर डी रीड भी नहीं किया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है, अगर नन ऑफ दिस होता तो आई शुड रीड दिस ऑप्शन, अदरवाइज नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है तो सिंपली यू कैन मार्क द ऑप्शन इफ यू नो दैट ए बी सी इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है, किलिंग इज नॉट अ मर्डर इफ द ऑफेंडर व्हाइल डिप्राइव्ड ऑफ अ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है मतलब प्रोवोक होगा, इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, आउट ऑफ द सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, इनसेन पर्सन हो सकता है, वट एवर इट इज, and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation, यहाँ पर क्या लिया हुआ है, provocation का ये लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर self defense, देखो killing is not a murder, एक person को मार देना ये murder नहीं होगा, but कब, जब वहाँ पर कोई provocation involved है, कोई third person आपको provoke कर रहा है to kill someone, so that is not the murder। now coming to the factual situation, Mr. X, a person of a reputation, one day saw his daughter dancing with a man in pub। अब यहाँ पर एक्स जो पर्सन है उसने क्या कर दिया, ये रेपिटेड पर्सन है, तो उसने अपने डॉटर को क्या कर दिया, एक पर्सन के साथ पब में देख लिया। आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर एक्स इनवाइटेड दैट अ बॉय एट हिज ऑफिस एंड ऑफर्ड हिम कॉफी मिक्स्ड पॉइजन, यहाँ पर उसने उस पर्सन को घर पे बुला लिया, मिस्टर एक्स जो भी मैन होगा उसको घर ऑफिस में बुला लिया और उसको कॉफी ऑफर की, कॉफी में क्या था, जहर था। अब ये जहर बाय डिफॉल्ट किसने मिलाया होगा, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स ने मिलाया होगा। नाउ द बॉय गॉट अनकॉन्शियस एंड वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सीक्रेटली बाय द ड्राइवर ऑफ द मिस्टर एक्स, द बॉय वाज डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू द पॉइजनिंग। अब यहां पर जो एक्स का ड्राइवर था, जो रेपिटेड पर्सन था, उसके ड्राइवर ने क्या कर दिया, सीक्रेटली, उसको बताया नहीं, बट उस पर्सन को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बट देन वो बॉय जो है वो डाई हो गया बिकॉज ऑफ दैट पॉइजनस इन्फ्लुएंस। नाउ द क्राइम कमिटेड बाय द मिस्टर एक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, यहां पर जो मिस्टर एक्स ने किया हुआ है वो क्या है। Now, यहां पर एक्चुअल सिचुएशन अगर देखोगे तो इट सीम्स लाइक कि यहां पर ये प्लान सिचुएशन है, राइट, कि इन्होंने प्लान करके किया हुआ है, उसको ऑफिस में बुलाया, देन ही गेव हिम द कॉफी विच इज विद द पॉइजन, तो ये प्लानिंग दिखता है। बट नाउ कमिंग टू द रियल एंड लीगल प्रिंसिपल, यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या दिया, ये तो हम लीगली, हम तो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं ना। नाउ सी द लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल बोलता है कि इट इज नॉट अ मर्डर बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन, ये मर्डर नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए किलिंग बाय इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन, द
देखो यहां पे क्या हुआ है, क्राइम कमिटेड है, बट कैसे, किलिंग बाय इंटेंशन, सडन प्रोवोकेशन। ओके चलो थोड़ी देर के लिए इसको वेट कर दे, आगे जाते हैं। ऑप्शन बी गिव्स यू प्री मेडिटेटेड मर्डर। प्री मेडिटेटेड मर्डर का मतलब होता है प्लैंड मर्डर, जो पहले से ही प्री मेडिटेटेड है। मेडिटेटेड का मतलब क्या है, पहले से ही सोच समझ के रखना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, सोच समझ के कोई चीज करना। तो दैट मींस कि पहले से ही मेडिटेटिव माइंड से प्लान करके ये सारी चीजें की गई है। नाउ ऑप्शन सी सेज कल्पेबल होमिसाइड। सी कल्पेबल होमिसाइड का तो कोई प्रोविजन ही नहीं दिया, तो इसको तो वैसे पहले एलिमिनेट करो, नन ऑफ दिस आएगा नहीं। ऑप्शन ए एंड बी में से कोई एक आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पर ऑप्शन ए में बोला है इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। गाइस ये सडन प्रोवोकेशन तो बिल्कुल नहीं है, इंटेंस प्रोवोकेशन हो सकता है, बट सडन प्रोवोकेशन का मतलब इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए। अगर वो पर्सन को पब में ही मार देता तो शायद वहां पर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन होता, बट उसने जो है टाइम लिया, टाइम लेके सोच के प्लान किया, दैट मींस इट इज प्री मेडिटेटेड मर्डर एंड ऑप्शन ए वुड गेट एलिमिनेट। ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लीगल प्रिंसिपल अ पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड ओनली कैन बी कॉम्पिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का मतलब क्या है, एक अच्छा खासा rational minded person, a person who is usually of unsound mind but occasionally of a sound mind may make a contract when he is of a sound mind. अब जो occasionally insane person है, कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं, ऐसा जो person है वो person जब भी अच्छा रहता है, rational minded रहता है, sound minded रहता है, then that time he can do the contract with any other person. Now factual situation given here, option A who is a lunatic, lunatic का मतलब क्या, पागल, accepts a proposal for a sale of one of his plots of a land to B for rupees 10 lakhs during one of his sane intervals. देखो यहाँ पे बात की गई है sane interval. Sane interval का मतलब he is in the rational mind, he is in the sound mind. Now before a B could take a possession of the land, A lapses into insanity again. Which one of the following depicts the correct legal position? यहाँ पर आपको legal position पूछी है according to the legal principle. Legal principle बोलता है कि sound mind person जो है वो competent to the contract है, और जो intervally sound रहता है वो भी competent to the contract है, but in that sound mind interval. Now पहला फेज अगर रीड करते हो केस का तो पता चलेगा कि एक्सेप्ट्स अ प्रपोजल फॉर द सेल ऑफ वन ऑफ हिज प्लॉट्स ऑफ अ लैंड टू द बी फॉर रुपीज 10 लाख। उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस तो दे दिया, मतलब वो क्या था, सेम पर्सन था, एट द टाइम ऑफ सेम पर्सन उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। नाउ इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ चलो अभी देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन ए सेज बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है, वैसे तो एक्सेप्टेंस दे दिया, तो बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी द प्रॉपर ऑप्शन। ए गेट्स एलिमिनेट। नाउ ऑप्शन बी सेज बी मस्ट वेट टिल ए बिकम्स अ सेन एंड देन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। नो, दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आइडिया। चलो ये एक तरीके से अगर मॉरली आइडिया करेक्ट भी है तो भी ये लीगल प्रीपोजिशन के अंडर नहीं आता, बिकॉज लीगल प्रिंसिपल डजंट से इट, तो चलो ये भी तो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बचा सी एंड डी। सी बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इनफोर्सिबल। यस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज व्हेन ही डिड दैट एक्सेप्टेंस ही इज इन सेन माइंड। सो नाउ ऑप्शन डी सेज ए हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। व्हाई इज इट सो, बिकॉज यहां पर ए जो है वो लुनैटिक है, बट वो सेन लुनैटिक, मतलब इंटरवली सेन भी होता है और इंटरवली लुनैटिक भी होता है। सो दैट मींस ऑप्शन डी वुड नॉट बी योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। दैट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इनफोर्सिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल क्या दिया है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय द पर्सन हु इज और हु बाय द रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ द फैक्ट एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ द मिस्टेक ऑफ अ लॉ इन अ गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ टू डू इट। अब देखो यहां पे जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल से इज कि ऐसी कोई एक्ट जो आपको ऐसा फील होता है कि इट इज ऑफ योर ड्यूटी, वो आपका ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, because of a mistake of a fact हो सकता है, because of a mistake of a law हो सकता है, but you are doing that act in the good faith, thinking that कि you are bound by the law, आप law से bind हो, आपको ये करना है, ये आपकी legal duty, ये आप सोच रहे हो, but that is because of the mistake of the fact हो सकता है, mistake of the law हो सकता है, so अगर ऐसी कोई भी act करते हो and it considered the offense, so doesn't it would not be the legally offense. Now factual situation says a soldier fires a mob by the order of his superior officer. अब सोल्जर ने क्या किया, मोब के ऊपर, मोब क्या होती है, क्राउड, क्राउड के ऊपर क्या कर दिया, फायर कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर किसने दिया था, सुपीरियर ने दिया था। इनकन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, इनकन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द लॉ करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसने एक्शन लिया हुआ है। बी इज किल्ड ड्यू टू सच फायरिंग, बी का मर्डर हो गया, मतलब बी डेथ हो गया। अब इज ए गिल्टी ऑफ अ मर्डर, क्या ए ने मर्डर किया हुआ है। देखो ए इज अंडर अ ड्यूटी,
राइट right? प्रिंसिपल तो बोलता है कि वो तो ड्यूटी के अंदर था, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एज एन ड्यूटी लॉ अबाइड ड्यूटी राइट। सो यहां पर लीगली का बात करें, अगर लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो इज नॉट गिल्टी ऑफ द मर्डर। चलो ऑप्शन ए सेज यस ही शुड हैव टेकन अ केयर अवॉइड एनी इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग किल्ड, नो नॉट एट ऑल। नाउ नो ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू इट, वी कैन से दैट नो ही इज बाउंड बाय द लॉ क्योंकि उसको सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था। यस एज ही हैज किल्ड अ पर्सन, नो नॉट एट ऑल क्योंकि उसने किल भी किया हो लेकिन ही इज बाउंड बाय द लॉ। नाउ ऑप्शन डी सेज द सुपीरियर ऑफिसर इज गिल्टी, सुपीरियर ऑफिसर इज गिल्टी, व्हाई? ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, अल्दो ही वुड बी द गिल्टी बट ही इज नॉट गिल्टी, सो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट। देखो जो लीगल प्रिंसिपल दिया अकॉर्डिंगली बात करो, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। Going to the next question, India is called as a republic country because why? India को republic country क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे इसका आंसर तो आपको मतलब read करने की भी ज़रूरत नहीं, खुद को पता होना चाहिए। Option A says the head of the state is a hereditary monarch, no. Then the constitution is based on a people's will, no. Option C says the head of the state is not a hereditary monarch. देखो यहाँ पर opposite लिख के दिया हुआ है कि the head of the state जो है वो hereditary monarch नहीं होना चाहिए। Then so option D जो है वो option D में क्या लिख के दिया था, president is elected by the people, यहाँ पे president को people elect नहीं करते, तो option D तो वैसे भी eliminate होगा, option B भी eliminate हो जाएगा, A भी eliminate हो जाएगा, option C would be your correct answer. Now next, Raja gives 10,000 to John to bring a laptop for him from Delhi as John was planning to visit Delhi during vacation. यहाँ पे राजा ने क्या किया, 10,000 रुपीस किसको दिए, जॉन को दिए। क्या कहा कि भाई तू लैपटॉप परचेस कर ले बिकॉज मैं जो है वैकेशन में दिल्ली में आ रहा हूँ तो मैं वो लैपटॉप ले लूंगा तभी। Now, but before vacation starts, his plan was cancelled due to pandemic. Pandemic आ गया, lockdown लग गया, अब वो दिल्ली नहीं जा सकता। In such situation, which of the following statement is true? Now, यहाँ पर question ये पूछ रहा है कि यहाँ पर John की liability क्या होगी? ये by default understanding आपको होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए after reading it कि यहाँ पर question क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया कि John की liability क्या है? John को वो पैसा return करना भी है कि नहीं करना है? चलो, option A, John is under a liability to restore the 10,000 rupees. Okay, practically speaking, it is correct. चलो आगे देखते हैं। Option B, John is under a liability to pay back 10,000 along with the interest. भाई interest क्यों pay करेगा वो? खुद नहीं मांगने गया था, लोन तो नहीं मांगा था, वो खुद आया था राजा, तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट। जॉन इज अंडर नो लायबिलिटी, अंडर नो लायबिलिटी बोला है मतलब जॉन के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। सीधी सीधी बात हो रही है कि जॉन के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 10,000 रुपीज लेके बैठा हुआ है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट। आगे देखते हैं, राजा कैन सीयू जॉन फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था यहाँ पे, लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 3 years। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गाइज इंपॉर्टेंट, ये चीज डिस्कस की गई थी, 10 बार बोला गया था कि ये रीड करके जाना, इसके ऊपर फोकस रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। And simply this question is here. Now यहाँ पर दिया हुआ है option A, article 19 sub article 1 clause A. यहाँ पर दो options confusing है, option A and C. So option A and C is a confusing one. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 इज ऑल अबाउट दिस, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब आर्टिकल क्लॉज क्या है। सब आर्टिकल 1 इज सिमिलर 1। नाउ क्लॉज को याद कैसे रखोगे? क्लॉज को याद रखने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन क्लॉज ए जो है दैट इज ऑल अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। सी गेट्स एलिमिनेट, बी बी एलिमिनेट और डी बी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द इंडियन पेनल कोड 1860, टी बी मैकॉय, बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Where is the headquarter of International Court of Justice? International Court of Justice का headquarter कहाँ पर है? ये important question था और थोड़ा सा interesting question भी था। Maybe some of the people knows about it, some of the people don't know. But this would be the one of the like easy भी था और moderate भी था। अगर इसको पता होगा तो वो easily answer कर जाएगा। Now your answer would be option A, the hanging. Next. Dash is a written statement under the oath and signed by the maker as a true statement. ऐसी कौन सी रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो कि ओथ एंड साइन बाय द मेकर, मेकर का मतलब जो उसको बना रहा है, एज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ओथ लेते हैं, ओथ लेने का मतलब क्या, वी अफर्म समथिंग, अफर्म कर रहे हैं, अफर्म का मतलब इट्स अ एफिडेविट, सो सिंपली ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टेंपरेरी रिलीज ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर फ्रॉम अ जेल फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट। जब भी फिक्स पीरियड पे मतलब एक छोटे से टाइम के लिए आपको एक कन्विक्ट को छोड़ा जाता है ना,
यहाँ पे कन्विक्ट बोला गया, प्रिजनर नहीं, मतलब ये सिंपली प्रिजनर नहीं है, कन्विक्टेड प्रिजनर है. कन्विक्टेड मतलब ही इज प्रूव टू बी गिल्टी, राइट, प्रूव्ड हो चुका है. नाउ यहाँ पर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, बेल नहीं होगा, बिकॉज बेल के टाइम पे यहाँ पे प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, तो प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद और कन्विक्ट होने के पहले दोनों के बीच में होता है, तो बेल तो नहीं आएगा, राइट. पनिशमेंट तो अलग हो गया, फ्रीडम भी अलग हो गया. ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर रिलेटेड टू द ईच अदर इन द सपिंडा रिलेशनशिप. सपिंडा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पूछा गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस में था, बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा जाएगा, एंड दिस इज अश्योर, मतलब ये होना ही है. हिंदू मैरिज फैमिली लॉ, अगर फैमिली लॉ की बात होती है तो वहां पे डाइवोर्स, हिंदू मैरिज, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से वॉइड है, कौन से वॉइडेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू रीड दैट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन. सो यहाँ पर वैलिड तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज इन सपिंडा रिलेशनशिप. सो बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दी सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंडा मतलब सेम काइंड ऑफ, तो यहाँ पे सपिंडा रिलेशनशिप में अगर है तो वो वैलिड तो नहीं होगा, इट वुड बी दी वॉइडेबल, इट वुड बी दी वॉइड. अब यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, अब यहाँ पे ऑप्शन डी वुड नॉट बी योर करेक्ट आंसर, राइट. बचेगा क्या, ऑप्शन बी एंड सी. नाउ यहाँ पर देखो, वॉइडेबल बोला है, वॉइडेबल नहीं है इटसेल्फ, ऑप्शन से सेक्शन 11 सेज कि इट इज वॉट, इट्स अ वॉइड, सो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट दैट कैन नॉट बी रीजनेबली फोरसीन एज अ प्रिवेंटेड इज कॉल्ड एज व्हाट. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, जो मतलब आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपली इट इज एक्ट ऑफ गॉड. कैलेमिटी होती नहीं है, पेंडेमिक होगा नहीं, और मैसेकर यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर लीगली बात करनी है तो इट वुड बी द एक्ट ऑफ गॉड. नाउ नेक्स्ट, ए इंजर्ड बी, हाउ विल बी प्रूव दिस इंसिडेंट. अब यहाँ पर ए ने बी को इंजर्ड किया, बट बी ए प्रूफ कैसे करेगा. ऑप्शन देखो क्या दिए, अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑडिटरी एविडेंस, ऑरल एविडेंस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट. देखो यहाँ पे दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, इट्स अ लॉजिकल सेंस, लीगली अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट्री एंड ऑडिटरी एविडेंस तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं है और ऑडिट करने का कोई सवाल नहीं, तो बचे क्या, ऑप्शन सी एंड डी. यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट कब निकल पाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट निकालने के बाद ही वुड से दैट कि सिर्फ इंजरी किस टाइप की हुई है, दैट मेडिकल सर्टिफिकेट वुड नॉट टेल यू कि बाबा एग्जैक्टली किसने मारा है, ये तो पता नहीं चलेगा. दैट मींस ऑप्शन डी वुड एलिमिनेट एंड ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. कौन सी ऐसी है जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है. ऑफिस व्हीकल, यहाँ पे नॉट बोला है, ठीक है, तो मूवेबल जो है उसको एलिमिनेट करना होगा. व्हीकल तो मूवेबल होता है, फर्नीचर भी मूवेबल होता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना, तो ये क्या होगा, ये इमूवेबल हो जाएगा, दैट इज नॉट मूवेबल. ऑफिस लेजर, ये तो कंप्लीटली मूवेबल हो गया, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए सीज अगेंस्ट बी एज अ हाउस इज ओन्ड बाय द ए. ए ने क्या सीव किया कि हाउस जो है वो ए का है. अब इसमें किसके ऊपर जो है वो बर्डन होगा प्रूफ करने का, ओनरशिप प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होगा. नीचे देखो पूछा गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग दी ओनरशिप. अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, इसको एविडेंस एक्ट में कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, एक होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो डेली बेसिस पे शिफ्ट होते रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो वन टाइम शिफ्ट हो जाता है. देन यहां पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है फर्स्ट टाइम में. अब यहां पे देखो, पहली बात, यहां पे ये एडवर्स ओनरशिप दिखा कौन रहा है, पूछ कौन रहा है, बोल कौन रहा है. ऑप्शन ए बोल रहा है, दैट मींस ए इन दी अंडर द बर्डन टू प्रूव दैट कि उसकी ओनरशिप है, तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द राइट टू वोट इज डैश. राइट टू वोट क्या है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट, तो वोटिंग राइट होता नहीं है, बचा क्या, लीगल राइट वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Which of the following countries has a unwritten constitution? Unwritten constitution कौन से country का है? Simple, it's a England. Next, which of the following is not a constitutional body? Constitutional body कौन सी नहीं है? Maharashtra, MPSC, MPSC is not. यहाँ पे कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इज व्हाट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, नो नॉट एट ऑल. सो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉर वुमेन डैश सीट्स आर रिजर्व्ड इन ऑल पंचायत्स इन इंडिया. वुमेन्स के लिए सारी पंचायत, इंडिया में सारी पंचायत में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, दैट इज 1/3. A has a set up a rival school with that of the B because of the competition. B had to reduce their fees. Which options out of the following is correct in this case? यहाँ पे देखो क्या हुआ. A has a set up a rival school,
विद दैट ऑफ द बी, बी ने जहां पे स्कूल खुला था वहीं पे ए ने क्या कर दिया, एक राइवल स्कूल ओपन कर लिया। नाउ बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन बी हैड टू रिड्यूस देयर फीस। अब कॉम्पिटिशन की वजह से बी को क्या करना पड़ा, फीस को कम करना पड़ा। विच ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस केस। अब देखो क्या होता है आगे। ऑप्शन ए सेज बी हैड नो रेमेडी इन थॉट फॉर अ लॉस। यहां पर बी के पास कोई रेमेडी नहीं है, लॉजिकली वुड बी द करेक्ट वन। चलो ऑप्शन बी रीड करते हैं। बी कैन रिकवर द लॉस। रिकवर द लॉस, लॉस कहां हुआ भाई, ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी बी कैन क्लेम फॉर कंपेंसेशन अंडर सिविल लॉ। नो, सिविल लॉ डजंट अप्रूव इट, नहीं करता, तो ऑप्शन सी वुड नॉट बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सेज बी कैन फाइल अ सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए। यहां पर ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहां से आएगा, तो ऑप्शन डी गेट्स आल्सो एलिमिनेट, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Which Indian language has a given a status of the classical language by the central government? यहाँ पर classical language करके central government ने कौन से ऐसी languages है यहाँ पर दी हुई में से जिनको उन्होंने classical language करके approve किया हुआ है? Sanskrit, Telugu, Tamil and Pali, यहाँ में से कौन से? अब देखो option A says only A, option says A, ठीक है। ऑप्शन बी सेज ए बी सी, ऑप्शन सी सेज ए एंड डी, एंड ऑप्शन डी सेज बी सी डी। देखो यहाँ पर संस्कृत तो है, ठीक है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, एंड रिमेन व्हाट, पाली। पाली जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं लिया गया है, दैट मींस ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट, ऑप्शन ए सी एंड डी वुड गेट एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द सर्वेंट ऑफ ए लेफ्ट अ हाउस व्हेन अनअटेंडेड ऑन द स्ट्रीट। यहां पे ए का जो सर्वेंट था उसने क्या कर दिया, अपनी जो वैन है वो स्ट्रीट पे अनअटेंडेड छोड़ दी, मतलब उसको कोई भी उसके साथ नहीं है, ओपनली छोड़ दिया। अ बॉय थ्रू अ स्टोन एट द हॉर्सेस दैट गॉट अ फ्राइटेंड एंड बोल्टेड। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रेव डेंजर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द रोड। अ पुलिसमैन पर्सीविंग दिस डेंजर मैनेज टू स्टॉप द हॉर्सेस बट वॉज हिमसेल्फ इंजर्ड। यहां पर क्या होगा, एक बॉय ने क्या कर दिया, स्टोन जो है वो हॉर्स के ऊपर फेंक दिया। अब ये हॉर्स जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब फ्राइटन हो गया, अब इसकी वजह से वो यहाँ वहां उछल कुछ मतलब उछल कुछ कर रहा होगा, तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया कि बच्चे को और उस वुमन को डेंजर है, अब उनको कुछ भी हार्म हो सकता है। नाउ इन दैट केस यहाँ पे ये बोला गया कि पुलिसमैन पर्सीविंग दिस डेंजर मैनेज टू स्टॉप द हॉर्सेस बट वाज हिमसेल्फ इंजर्ड। पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश तो की लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो गए। देखो ऑप्शन ए क्या बोल, ऑप्शन ए सेज एन एक्शन अगेंस्ट ए बाय द पुलिसमैन वुड लाई बिकॉज द लेटर एक्टेड अंडर एन एक्सिजेंसी कॉज्ड बाय रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द एज सर्वेंट। यहाँ पे ए के सर्वेंट का जो रॉन्गफुल कंडक्ट था उसकी वजह से ये चीज हुई है। नाउ ऑप्शन बी सेज एन एक्शन अगेंस्ट ए, एन एक्शन अगेंस्ट ए वुड फेल। एक्शन अगेंस्ट ए वुड फेल, क्यों फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए की वजह से हार्म तो हुआ है तो फेल नहीं होगा। देन अगेन नेक्स्ट ऑप्शन भी वही बोलता है कि वुड फेल, तो वो भी नहीं होगा। नो एक्शन वुड लाइ, नो एक्शन तो होगी नहीं, बिकॉज फेल नहीं हो रहा है तो नो एक्शन भी नहीं होगी, एक्शन तो होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Mr. Z possesses some poisonous tree on his premise. Mr. Y's horse intrudes over the boundary and dies by eating leaves of a poisonous trees projected out there. यहाँ पे क्या हुआ? Mr. Z जो है वो some poisonous trees को अपने घर के सामने लगा चुके थे, मतलब अपनी जगह पे लगा चुके थे। यहाँ पर Mr. Y के horse ने क्या कर दिया, उनके गेट के ऊपर से छलांग मार ली और उसके अंदर पहुंच गया और वो poisonous tree में से कुछ पत्ते खा लिए। Simple, in light of these circumstances, which of the following statement is the true? क्या सच्चा होगा? देखो option A says Mr. Z is not liable. Mr. Z is not liable बोल रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर वाई मस्ट हैव टेकन अ ड्यू केयर टू कंट्रोल हिज हॉर्स। मिस्टर वाई के ऊपर ड्यूटी थी टू कंट्रोल हिज हॉर्स, ओके मॉरली इट इज करेक्ट, बट आगे जाके देखते हैं कोई और अप्रोप्रिएट आंसर है क्या। ऑप्शन बी सेज मिस्टर जेड इज नॉट अ लाइबल बिकॉज द पॉइजनस ट्रीज आर ऑन हिज ओन लैंड। मिस्टर जेड इज नॉट अ लाइबल बिकॉज द पॉइजनस ट्रीज आर ऑन हिज ओन लैंड, उसके खुद के लैंड पे है तो वो जिम्मेदार नहीं है। चलो मिस्टर ऑप्शन सी सेज मिस्टर जेड इज अ लाइबल बिकॉज़ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइजनस ब्रांचेस एस्केप फ्रॉम हिज लैंड। यहां पर टॉर्ट का एक सेक्शन लागू हो जाता है जिसके अंदर ये बात जाती है कि अगर आप अपने प्रमाइजेस में कोई भी डेंजरस सब्सटेंस रखते हो, अगर वो लीव होता है आपके घर से निकलता है और किसी दूसरे को अगर हार्म करता है या फिर कोई दूसरा आपके प्रमाइजेस में आता है उसको हार्म हो जाता है, सर्टनली आप जो हो गए उसके लिए लाइबल हो गए। इट्स अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यू कैन से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यू have to bear it. So option C would be your correct answer. Option D, option A and option B eliminate ho jayenge. Option C would be your correct answer. Now next question. Master employer is liable for master/employer is liable for a wrongful act of a servant if the act is done out of the course of employment. Yes, correct. In the course of employment, देखो यहाँ पर
आउट ऑफ दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? पहली तो चीज यहां पे आउट ऑफ लिखा हुआ है, तो यस करेक्ट बोलने से पहले सोचो, इट्स अ रॉन्ग वन. देन नेक्स्ट, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस इट इज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इधर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउट ऑफ दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर क्या होगा? देखो यहां पे बोला है इधर इन कोर्स ऑफ और आउट ऑफ. आउट ऑफ होगा तो वो फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से है. तो फिर सिर्फ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी एंड ए गेट्स एलिमिनेटेड आफ्टर हैविंग अ रिटन परमिशन फ्रॉम द मास्टर एंड एम्प्लॉयर. नो, दिस नॉट बी करेक्ट. ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहां पर एजर्शन एंड रीजनिंग दिया हुआ है. एजर्शन, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. ओके चलो, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट इट सेज. नाउ नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है, देखो. ऑल रिलीजियंस आर इक्वली प्रोटेक्टेड एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ रिलीजन कास्ट इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. यहां पर ये जो है ये दिया हुआ है कि यहां पर ऑल रिलीजियंस आर इक्वल है, प्रोटेक्टेड है, एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. अब इसी को तो सेक्युलरिज्म कहा जाता है ना, एंड दैट इज द रीजन कि ये सेक्युलर स्टेट है ना. तो मतलब यहां पे एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, एंड बोथ आर करेक्ट फॉर द ईच अदर. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर. बी सी डी वुड गेट्स. नाउ अगेन एजर्शन एंड रीजन, क्वेश्चन नंबर 30. द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. यस इट इज करेक्ट. देन द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. यहां पर देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है. बाय द वे यहां पर ऑप्शन ए जो है बेसिकली इट इज रॉन्ग. ठीक है, यहां पे दिया है लोकसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व. नेवर बी डिसॉल्व नहीं आएगा गाइस, ये रॉन्ग है. देन ऑप्शन बी सेज लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अप टू 6 इयर्स. ये भी रॉन्ग है गाइस. यहां पर ऑप्शन सी सेज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 इयर्स. यस दिस इज करेक्ट. एंड ऑप्शन डी सेज ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब यहां पे देखो सी एंड डी इज करेक्ट है, बट ऑप्शन में गाइस सी एंड डी का ऑप्शन ही नहीं है. तो बाय द वे यहां पर जो ऑप्शन बी है ना, मतलब यहां पे उन लोगों ने ये करेक्ट आंसर दिया है, तो मे बी द प्रिंट मिस्टेक हो सकती है. सो प्रैक्टिकली यहां पे सी एंड डी होना चाहिए था, जहां पे ए एंड डी दिखाई दे रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. यहां पे 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो मैंडेट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर दिया हुआ है? सो इट इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 45. इट सेज कि यहां पर 6 टू 14 इयर्स, यहां पे ड्यूटी दी हुई है, तो 6 टू 14 इयर्स के लिए क्या है कि यहां पर उनको देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट स्टेट वन, स्टेटमेंट वन सेज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड हैज ओवरट्यून्ड टू ऑफ लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय हिज फादर जस्टिस वाई वी चंद्रचूड. यहाँ पे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने क्या किया, ओवरट्यून्ड किया है, मतलब उनको अलग आंसर, अलग से डिसीजन देके उनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया या फिर क्वैश कर दिया, उन डिसीजंस को क्वैश कर दिया. और ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, अब ये लैंडमार्क जजमेंट जो होगी ओवर रूल कर जाएगी इन सिंपल टर्म्स, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट टू सेज जस्टिस वाई वी चंद्रचूड हैड रिजेक्टेड प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट एंड हैड ऑल्सो अपहेल्ड एडल्टरी लॉ इन 1985. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें देखना होगा. तो यहां पर ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, नाउ यहाँ पे डी वाई चंद्रचूड ने क्या कर दिया कि वो ओवरट्यून कर दिया लैंडमार्क जजमेंट. ओवरट्यून कर दिए मतलब एक तरीके से ओवर रूल्ड कर दिए. ओवर रूल्ड करने के लिए पहले जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को सुनना भी जरूरी है, वही डिसीजन नीचे भी दिया हुआ है. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द अजर्शन एंड सेकंड वन इज द रीजन फॉर दैट. तो सिंपली दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गए और दोनों एक दूसरे के लिए करेक्शन, मतलब ये अजर्शन एंड रीजनिंग की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे ऑप्शन तो वैसे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए तो दिखाई दिया ही हुआ है, बट देन अगर ये अजर्शन एंड रीजनिंग में आता भी है कभी, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएंगे. तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, find odd man out from a given various modes of execution of a capital punishment in different countries. यहाँ पर capital punishment में odd man out पूछा गया है. देखो lethal injection, okay, firing squad, hanging, externment. यहाँ पे आपको odd man out find करना है. देखो odd man out find out करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी punishment दी जाती है. lethal injection दिया जाता है, firing squad किया जाता है, hanging किया जाता है, but externment वहाँ पर नहीं होता. So this is your correct answer. Option D would be your answer. ठीक है, then next. Who was the first ever Indian female lawyer? First ever Indian female lawyer कौन है? It's a Cornelia Sarabji. Who is that? It's a Cornelia Sarabji.
Where was the first ever mobile court in India launched? First ever mobile court पूछा हुआ है यहाँ पे, e court नहीं पूछा है, be aware of it कि यहाँ पर e court नहीं बोला है, mobile court बोला है, तो यहाँ पे answer आपका क्या होगा? Simply option A, that is हरियाणा. Next, which penal code was in force in the territory of Jammu and Kashmir before the abrogation of Article 370? Abrogation का मतलब इसको quash करने के पहले, Article 370 को निकालने के पहले, Constitution में से निकालने से पहले, वहाँ पर कौन सा code work करता था? Punishment code work करता था, like Indian penal code, which is in India, जो India में था, तो वो तो वहाँ पे नहीं था, model code भी नहीं था, वहाँ पे क्या था? Ranveer penal code. Option D gets eliminated. Next. Computer hacking is a what? Computer hacking is what? यहाँ पे next देखो क्या लिखा option में, stealing a computer? नहीं, ये तो stealing मतलब तो theft हो गया. Changing, destroying information in a computer with wrong intention would be the correct answer. But आगे check कर लेते हैं. Hiding the computer, this would not be the correct answer. Cracking the computer would not be the correct answer. Option B would be your correct answer. Next, 39 Raja contract to pay Kumar a sum of money when Kumar marries Rani. यहाँ पे राजा contract, राजा ने क्या contract किया है? To pay Kumar a sum of money when Kumar marries the Rani. अब यहाँ पे Kumar को bind कर दिया by the contract कि उसको शादी किससे करनी है? रानी से ही करनी है, अगर वो money देता है. Rani dies without being married to Kumar. In such case, contract becomes what? अब in such case, contract becomes what? बोलने से पहले contract क्या है? It's a void because what? कि Kumar को क्या कर दिया? Restrict कर दिया. अब यहाँ पे restriction लाया मतलब क्या? Simply contract क्या हो गया? Void हो गया. In India, for purpose of general elections, the voting right is given to citizen on the basis of which of the following? Simple, the age. यहाँ पे उसकी age important होती है. Education नहीं matter करता, his duration of stay in country नहीं matter करता, his place to uphold the constitution भी matter नहीं करता. Simply, his age matters for the voting right. Now, so this is all about the solution for the legal section of the MS Law CD 5 years 2024 shift one paper. Now. I hope you got the solutions and whatever the right answers are there. So if you got some ideas and knowledge, so simply hit that like button and share this video with your friends so they can also get the idea and the knowledge about the future preparation and what type of the questions are there. So if you like the video, hit that like button, share this video with the friends and subscribe to the channel. Thank you for watching the video.